तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, एपी क्रिकेट स्टार की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाजिर है। तो जी दोस्तों शहजील खान के लिए मुसीबतें कम नहीं बल्कि रोज बरोज बढ़ती जा रही है। शहजील खान को टीम सेलेक्ट करने में पीसीबी अभी कंफ्यूज है कि उन्हें टीम में लिया जाए कि नहीं, क्योंकि साबिक क्रिकेटर्स रोज बयान देते हैं कि उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाए। पिछले दिनों मोहम्मद हफीज ने बयान दिया था कि शहजील खान को टीम में नहीं होना चाहिए, जो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हो तो उन्हें फिर पाकिस्तान के लिए दोबारा नहीं खेलना चाहिए। जबकि इसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने भी मोहम्मद हफीज के बात से इत्तेफाक करते हुए कहा है कि मेरी राय में फिर उन्हें पाकिस्तान से नहीं खिलाना चाहिए। और आज इसके बाद जावेद मैदाद ने तो बहुत सख्त बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो उन्हें ना बच्चों का ख्याल होता है, न बीवी, न घर का और न मुल्क का, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए जो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो। जो भी पाकिस्तान से उन्हें दोबारा सेलेक्ट करेगा टीम में तो पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ होगा और उन्हें बिल्कुल नहीं कर सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सख्त बयान दिया है साबिक क्रिकेट स्टार और मायानाज बैट्समैन जावेद मैदाद ने। आप भी अपनी राय कमेंट में दीजिए कि क्या शहजील खान को वापस इंटरनेशनल सर्किट में खिलाना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जवाब दीजिए। शुक्रिया।